गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑन डे 5 ऑफ अवर मथुरा एंड जतुपुरा टूर। आज हमारी टूर का पांचवा दिन है और आज हम लोग हैं मथुरा में। हम लोग द्वारकाधीश मंदिर के बाहर खड़े हैं। थोड़े समय में मंगला के दर्शन तो ऑलरेडी हो गए हैं और अभी श्रृंगार के दर्शन थोड़े टाइम में होंगे, तो हम लोग अंदर जाएंगे दर्शन करने के लिए। आज का हमारा पूरा दिन जो है वो मथुरा में ही रहेंगे हम लोग। और कल शाम को हमने विश्राम घाट पर आरती के दर्शन किए थे। आज भी हम लोग यहाँ पे मथुरा में रहेंगे और यहाँ पे दर्शन करेंगे श्री द्वारकाधीश के। दर्शन के जो टाइमिंग्स है वो यहाँ पे मंदिर परिसर में और मंदिर के बाहर यहाँ पे डिजिटल इंडिकेटर पे दिखाए जाते हैं। अभी हमने मंदिर में श्री द्वारकाधीश के ग्वाल का दर्शन किए और अभी हम लोग जा रहे हैं विश्राम घाट और वहाँ पे जाके हम लोग यमुना जी की आरती और उनकी पूजा करेंगे। वन इम्पोर्टेंट थिंग, ये द्वारकाधीश का टेम्पल है और उसके बराबर बाजू में यहाँ पे इन्होंने सू और अपना सामान रखने के लिए यहाँ पे व्यवस्था की है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, अगर आपको कुछ भी अपने जूते चप्पल और सामान रखना है तो आप यहाँ पे रख सकते हो। मथुरा स्टेशन से द्वारकाधीश का जो टेम्पल है वो तकरीबन कुछ 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और यहाँ पे नंबर ऑफ़ व्हीकल्स आपको मिल जाएंगे सिटी के अंदर द्वारकाधीश के टेम्पल तक आने के लिए। बट ड्यू टू सम ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ मंदिर तक कोई भी व्हीकल आता नहीं है और आपको थोड़े डिस्टेंस पे वहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। तो जहाँ पे ये व्हीकल्स ड्रॉप करते हैं वहाँ से मंदिर का डिस्टेंस कुछ ज़्यादा है नहीं, तकरीबन कुछ मैक्सिमम 500 मीटर्स के डिस्टेंस पे वो ड्रॉप कर देते हैं, तो आप इजीली आ सकते हो। अभी सुबह के 9:30 बजे हैं और हम लोग आए हैं विश्राम घाट पर श्री यमुना जी की पूजा करने के लिए। थोड़े समय में हमारे गौर महाराज यहाँ पे आएंगे और हमें पूजा करवाएंगे। तब तक आप ये देखिए यमुना जी का स्वरूप सुबह के समय। अभी हम लोग आए हैं विश्राम घाट पे और ये हमारे गौर महाराज है सोनू भैया और आज हम लोग यहाँ पे श्री यमुना जी की पूजा करेंगे। आपके साथ में जो हमें यहाँ पे पूजा करवाने वाले हैं सोनू भैया, हमें कुछ जगह के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। पहले तो जय यमुना मैया की। ये तीर्थ भूमि, ये ब्रज भूमि है मथुरा, पुष्टि का प्रकट स्थल है। ये श्री यमुना जी हैं, यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंसों को मार के विश्राम किया है, तब इस जगह का नाम पड़ा है विश्राम घाट। यहाँ महापुरुष जी वल्लभाचार्य जी पधारे थे और 6 महीना यमुना जी में स्नान किया था, उनको साक्षात श्री यमुना जी के दर्शन हुए हैं। तो यमुना अष्टक जो बोला है महापुरुष जी ने लिखा है वो यहीं पर लिखा है, उन्हें बोला है विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी व्रते। तो पुष्टि का प्रकट स्थल है ये मथुरा विश्राम घाट ब्रजभूमि है। इधर यमुना जी हैं, पीछे की तरफ महापुरुष जी हैं। तो महापुरुष जी का प्रथम बैठक मथुरा का यहीं पर ही है और यहीं पर ठाकुर महापुरुष जी का यमुना जी का प्रथम मिलन हुआ है। तो पुष्टि का प्रकट स्थल ये मथुरा तीर्थ है विश्राम घाट। ओके, यहाँ पे आके पूजा के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं कि लोग आते हैं तो यहाँ पे पूजा वगैरह करते हैं? ये
यहाँ पर लोग आके देखे भाई दूज का जो स्नान होता है भाई बीज पर्व, यहाँ लाखों लोग आती हैं और नवम दिवाली के ऊपर आके यहाँ पर स्नान करते हैं। यहाँ पर पूजन का महत्व है। यहाँ श्री यमुना जी को दूध फूल रोही चावल कंकु, क्योंकि यमुना जी का लग्न ठाकुर जी के संग में हुआ है तो उस हिसाब से यमुना जी का पूजन यहाँ पर हरदी मेहंदी सब पूजा की वस्तुओं से यमुना का पूजन किया जाता है। थैंक यू सोनू भैया हमें जानकारी देने के लिए। तो चलो चलते हैं यमुना जी की पूजा करते हैं। हमने यमुने महारानी को 11 साड़ी की सेवा अभी अर्पण की है। विश्राम घाट्स के आधे किलोमीटर के रेडियस में देर आर नंबर ऑफ गेस्ट हाउसेज एंड धर्मशालास, तो आप वहाँ पे एडवांस बुकिंग करवा सकते हो। सीजन के टाइम पे आप कभी भी यहाँ पे आते हैं तो एडवांस बुकिंग करना एडवाइजेबल है। और यहाँ पे बहुत सारी गेस्ट हाउसेज भी है जिनके नंबर्स वगैरह मैं आपकी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो आप वहाँ पर माहिती पता कर सकते हो। Thank you.
ये हम लोग श्याम घाट से अभी विश्राम घाट जा रहे हैं। और ये देखिए मेरे पीछे बैकग्राउंड में यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, तो आप कुछ सामान वगैरह लेना चाहते हो तो ले सकते हो। सम ऑफ द पॉपुलर थिंग्स इन मथुरा इज़ पेड़ा, डेफिनेटली वो तो आपने सुना ही होगा, पेड़ा यहाँ के बहुत ही फेमस है। एंड मैंने एक दो दुकान के फ़ोटो आपके साथ शेयर किए हैं। दिज आर द पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो यहाँ पे आना आके लेके जाना पसंद करते हैं। बाकी यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, आप देख के यहाँ पे रिजनेबल रेट में परचेस कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं अभी होटल में और वहाँ पे हमारा सामान रख देते हैं और फिर जाएंगे लंच करने के लिए। अभी हम लोग बाबू भाई भोजनालय में आए हैं थाली खाने के लिए। यहाँ पे पार्सल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है और दिस इज़ द आइडियल प्लेस फॉर हैविंग गुजराती लंच एंड डिनर। यहाँ पे शाम को खिड़ी और खिचड़ी और कढ़ी भी मिल जाती है, तो वो भी आप यहाँ पे आके खा सकते हो। और विश्राम घाट से ये हार्डली 300 मीटर के डिस्टेंस पे है। अभी हमने ठाकुर जी के उत्थापन के दर्शन कर लिए हैं। दिन में भगवान के ठाकुर जी के 8 दर्शन होते हैं। सबसे पहले मॉर्निंग में मंगला के दर्शन होते हैं, उसके बाद में भगवान को श्रृंगार किया जाता है तो उसे श्रृंगार के दर्शन बोलते हैं। फिर भैया अपना भगवान अपनी गैयाओं के साथ में ग्वाल के दर्शन देते हैं। उसके बाद में दोपहर का जो भगवान को भोग लगाया जाता है उसे राजभोग कहते हैं। उसके बाद में भगवान के उत्थापन के दर्शन होते हैं, फिर वापस से भगवान को भोग लगाया जाता है तो उसे भोग के दर्शन बोलते हैं। उसके बाद में भगवान की आरती होती है और लास्ट में भगवान के शयन के दर्शन होते हैं। तो इस प्रकार से ठाकुर जी के दिन में 8 दर्शन होते हैं। तो भोग चढ़ाया जा चुका है और भगवान के भोग के दर्शन हमने किए, अभी थोड़े टाइम में हम लोग उनके आरती के दर्शन करेंगे। अभी हम लोग आए हैं चोबीजी कपड़े वाले की दुकान पर। यहाँ पे आपको हर प्रकार के ब्लैंकेट है, बेडशीट्स है और वूलन के कपड़े किसी भी प्रकार के सब मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट क्वालिटी का मटेरियल जो है वो एकदम ही होलसेल रेट में मिल जाएगा, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। दूसरे दिन हम लोग ने विश्राम घाट पे श्री यमुना जी के आरती के दर्शन किए एंड वी आर रियली ब्लेस्ड। अगर आप मथुरा आते हैं और आपने ये नहीं सब खाया तो यू विल मिस अ लॉट। आपको मथुरा जब कभी भी आएंगे तो आपको ये लोकल फूड यहाँ का खाना ही चाहिए। इट्स रियली वेरी वेरी टेस्टी।
इफ़ यू आर अ चाट लवर, बिलीव मी यू शुड विजिट दिस प्लेस. ये बहुत ही मस्त जगह है. यहाँ पे व्यू विल गेट वेराइटी ऑफ चाट्स, पानी पूरी, डाई टोकरी वगैरह, लॉट मैनी थिंग्स यू विल गेट हियर. अगर आप मथुरा आते और आपने ये नहीं पिया तो आपने कुछ नहीं किया. बिलीव मी, आप कितना भी खाना खा लीजिए लेकिन इसके लिए जगह ज़रूर से छोड़िएगा. इट्स रियली रियली यम्मी. पहले यम्मी चाट और उसके बाद में छत्ता बाज़ार में गरम दूध विद मलाई. और कुछ नहीं चाहिए मथुरा में. आज का दिन हमारा बहुत ही अच्छा रहा. अभी हम लोग छत्ता बाज़ार से निकल गए हैं और आज का मैं मेरा व्लॉग यहाँ पे अभी फिनिश कर रहा हूँ. कल मिलेंगे. कल के दिन में हमारा प्रोग्राम कुछ ऐसा है कि कल हम लोग शाम को बॉम्बे के लिए निकल जाएंगे. तो आज हमारा मथुरा में ये लास्ट डे है और वी आर रियली ब्लेस्ड टुडे, क्योंकि आज दूसरी बार हमने विश्राम घाट में श्री यमुना जी की आरती के दर्शन किए. एंड वो जो माहौल है वो शायद दुनिया को कोई भी कैमरा जस्टिफाई नहीं कर सकता है. उसके लिए शायद आपको यहाँ पे खुद आके उसको विटनेस करना होगा. मेरे हिसाब से जब हम गए थे हरिद्वार में, वहाँ पे हर की पौड़ी पे हमने श्री गंगा जी की आरती के दर्शन किए थे और आज यहाँ पे विश्राम घाट पे श्री यमुना जी की आरती के दर्शन किए. ये मेरे लाइफ के कुछ अनबिलीवेबल और अनफॉरगेटेबल यू कैन से मेमोरीज में से कुछ है. तो आई होप मैंने वो आपको मेरे वीडियो के माध्यम से अच्छे से कन्वे किया हुआ है. तो चलिए, आज का ब्लॉग मेरा मैं यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ. कल मिलते हैं. कल के दिन में हमारा यहाँ पे लोकल मंदिर में जाएंगे, द्वारकाधीश के दर्शन करेंगे. ठीक है, चलिए, गुड नाइट, टेक केयर एंड थैंक्स वंस अगेन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. गुड नाइट, टेक केयर.